देखिए दोस्तों, ये है वो 21 साल से जो तेज गति से काम चल रहा है, ये नशे के कैप्सूल और ये वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं। दोस्तों एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही जिंदगी दिखाने को मौका मिल रहा है और यकीन नहीं होता आंखों पर देखकर, ऐसी भी लाइफ है अब भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार। आज मैं आपको लेकर आया हूँ 152 साल पुराने एक ऐसे पुल पर जिसको अंग्रेज लेकर आए थे खुद इंग्लैंड से। जी हाँ, आपने सही सुना, और जिसने 152 साल से थाम रखा है दिल्ली को। आज जानेंगे उस रहस्यमय पुल से जुड़े हुए कुछ ऐसी राज और ऐसी बातें जो आपके होश उड़ा देंगी, और दिखाऊंगा आपको वो जिंदगी जो 2400 घंटे बसर होती है इसी पुल के नीचे। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट न जाए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मैं अभी उसी लोहा पुल के ऊपर चल रहा हूँ। नॉर्मली लोग इस पर ऊपर आते नहीं हैं। ये यहाँ पर यमुना नदी है, देखिए अभी ज़्यादा जल भरा नहीं है, चढ़ा नहीं है, और लगभग बारिश शुरू होते ही और हथनीकुंड बैराज से जब यहाँ पर पानी छोड़ा जाएगा, जैसे कि आपको पता है यमुना नदी का सारा पानी नहरों में बांट लिया जाता है, रोक लिया जाता है यमुनानगर हरियाणा में हथनीकुंड बैराज पर। जब वो पानी उस बैराज की क्षमता से ज़्यादा हो जाता है, जब उससे जो वो पानी को वो रोक नहीं पाते हैं, तब उस एक्सेस पानी को वो इसमें छोड़ देते हैं यमुना नदी में। उससे यमुना नदी इतना भयंकर रूप धारण करती है कि ये जो पिलर हैं, कि ये जो पुल है लोहा पुल, इस पर ट्रेनों की आवाजाही बंद हो जाती है कई बार एक ही बरसात के सीज़न में। अभी फ़िलहाल वो कंडीशन नहीं आई है, अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, लेकिन ऐसा होते ही आप न्यूज़ में बार बार सुनेंगे कि दिल्ली के लिए रेलवे लाइन बाधित हो गई है, लोहा पुल बंद हो गया है। आज खुद अपनी आंखों से देख लीजिए वो लोहा पुल ऊपर से कैसा दिखता है, जहां से दिन रात ट्रेन गुजरती हैं। देखिए दोस्तों, ये है वो 21 साल से जो तेज गति से काम चल रहा है इस पुल को रिप्लेस करने के लिए, एक नया पुल बनने के लिए। उसकी स्पीड देखिए आप, वो किस गति से चल रहा है। पहले इस नए पुल को बनाने की जो समय सीमा रखी हुई थी वो थे 2005, जो कि फेल हो गई। फिर 2020 रखी गई, और जिस स्पीड से काम चल रहा है उसको देखकर नहीं लगता कि 2050 से पहले शायद ये बन पाएगा। दोस्तों वो सामने आप देख रहे होंगे लोहा पुल के हम ऊपर हैं, वो लाल किला है यहाँ से दिखता है। अभी हम दिखा रहे हैं आपको लोहा पुल के ऊपर की जिंदगी, जहाँ से हमेशा ट्रेन गुजरती हैं। ये लोहा पुल से नीचे की ज़िंदगी, जहाँ हमेशा ट्रैफिक आबाद रहता है, 2400 घंटे चलता है, ये देखिए। और इस सड़क से भी नीचे की एक और ज़िंदगी है। ट्रेन जा रही है, शोर काफ़ी ज़्यादा है, और इस रास्ते में अंधेरा बहुत है। अंग्रेजों के समय में तो यहाँ पहरेदार रहा करते थे, गार्ड रहते थे। ये वो रास्ता जो अब इस समय गंदगी और बदबू से भरा पड़ा है। देखिए दोस्तों, गंदगी का एक बार अंबार देख लीजिए, एक बार केवल पसीने छूट जाएंगे सर्दियों में भी। ओहो, ये देख लीजिए, ओ वो इंतहा है दोस्तों, इंतहा। कहीं लगता पूरी दिल्ली की गंदगी यहीं लाकर डाल दी है क्या, और मैं अंदर वहाँ पर ले जाना नहीं चाहता, वहाँ पर इससे भी बुरी बदबू है, इससे भी। स्वच्छ भारत की सच में धज्जियाँ उड़ा रखी हैं यहाँ पर लोगों ने, धज्जियाँ। पता नहीं क्या क्या पड़ा है यहाँ पर, कहने से भी शर्म आती है मुझे। देखिए ये नशे के कैप्सूल और ये वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं। देखिए कितने इंजेक्शन, कितने कितने सिरिंज,
यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये आ गए हम किसी तरह बाहर। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से हम गए थे तो हम उसी लोहा पुल, ऐतिहासिक लोहा पुल के नीचे हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इस पुल की और इस जगह की खासियत जान रहे हैं। कई फिल्मों की यहाँ शूटिंग हुई है, कई सीरियल्स की यहाँ पर शूटिंग हुई है जिनको इन लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पे फुकरे की हुई थी, फुकरे टू की हुई थी और तुम्हारे चारू चक्के की हुई थी, बस ये बगल लोहा पुल के नीचे। हाँ, लोहा पुल के नीचे जहाँ खड़े इस समय बैठे हैं। हाँ, यहीं पे हुई थी। अच्छा, तो एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही जिंदगी दिखाने का मौका मिल रहा है और देखने का मौका मिल रहा है यहाँ पर लोहा पुल के नीचे। यहाँ पर एक रूम बनाया हुआ है एक तरीके से शेड डाल के, झोपड़ी के, यहीं से VCR रूम बोलते हैं ये। और यहाँ पर जो लोग काम करके आते हैं, रिक्शा वाले थककर, वे अपना मनोरंजन यहाँ पर करते हैं VCR में। यहाँ फिल्म CD वगैरह, कैसेट वगैरह चलाते हैं आज भी, जो कि अब देश में बहुत कम देखने को मिलता है। आज ये खुद देखिए अपनी आँखों से कैसा होता है। ये इसका गेट है हमारा सिनेमा हॉल का, ठीक है। ये सिनेमा हॉल में हमने ऐसे एंट्री की और ये हमारे भाई लोग इधर थक हार के फिल्म देख रहे हैं। और ये फिल्म चल रही है सामने शक्ति कपूर, बड़ा लग रहा पोस्टर हुआ देखो। अच्छा, और ये अब कौन सी चल रही है, इनमें से चल रही है कोई सी? ये है हमारे 21वीं सदी में भी भारत के सिनेमा घर, यकीन नहीं होता आंखों पर देखकर, ऐसी भी लाइफ है अब भी है। नीचे भी 2400 घंटे जिंदगी आबाद रहती है यहाँ पर काम करने वाले लोगों के रूप में। इसमें चले भी हो? आदि आदि लोग, यहाँ इसकी मरम्मत नहीं हो पाई। खतरा ज्यादा हो गया था, कभी कहीं भी बता रहे हैं। इसका जो पैदल चलने का रास्ता कभी हुआ करता था उधर से ट्रैफिक और यहाँ से, इसकी मरम्मत ही नहीं हो पाई तो आखिरकार ये रास्ता ही बंद कर दिया गया। और इसी कारण लोहा पुल पर पैदल चलने में बड़ी दिक्कत होती है पैदल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पानी आ जाता है, इतना आ जाता है जो इससे टच ना हो। अच्छा, तो फिर ये जो अपने इतना रही है, सब हट जाता है, ये सब हटाना पड़ता है उससे। तो भाई बरसात के दिन तो आने वाले हैं, फिर दिक्कत बनेगी। जब बरसात आती है, बाढ़ आती है, नहीं होता पहले पता चल जाता है, दूसरी जगह चले जाते हैं। पहले से जो ना फोन आ जाता है अपने कुंड से जो पानी छोड़ेंगे, तो इनको बता देते हैं कि इतना पानी छोड़ रहे हैं, इतने टाइम में, टाइम लगता है 36 घंटे में यहाँ तक आ जाएगा, तो उससे पहले ही हटा देते हैं। मजबूरी में देखिए बरसात का मौसम आने वाला है, ये लोग जब यहाँ पर पानी भर जाएगा इस जगह से कहीं और जगह चले जाएंगे। ये हर साल का सीन है यहाँ पर। अक्सर इस लोहा पुल पर ट्रेन रुक जाती है, उस समय देखिए ट्रेन में बैठे हुए लोगों और ट्रेन चला रहे ड्राइवर की जिंदगी कैसी होती है। लोहा पुल पर पुलिस चौकी के पास यह लड़का अपने नशे की खुराक तैयार कर रहा है और हम इससे कुछ ही कदमों की दूरी पर हैं, लेकिन यह अपनी धुन में इतना मगन है कि इसे दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। अब इन
ये काफी बदनाम हो चुका है।